है गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारतीय लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो आप सभी को हैप्पी होली। और देखिए, मेरा चेहरा पूरा रंगों से भरा पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बहन के हस्बैंड को कलर लगाने। तो ये रीति रिवाज है हमारे में कि जैसे उनके जीजाजी को कलर लगाना होता है होली के दिन और मिठाई खिलाना होता है, तो वो लोग हमारे घर के ऊपर ही रहते हैं। सो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, मेरे ननद के घर जा रहे हैं कलर लगाने। तो देखिए, यहाँ पे कियांश ऑलरेडी वो सुबह आ गया था, मुझे लगा वो ऐसे ही खेल रहा है, पर जब मैंने देखा तो ये पूरा कलर से भरा पड़ा है। और यहाँ पे सब बच्चे होली मना रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया आज के दिन, कुछ भी करे खेले। ये देखिए, पूरे बच्चे लाल पीले हो गए। तो ये मेरी ननद है और उनके हस्बैंड है, और ये और मेरे हस्बैंड है और दो देवर हैं। तो उनको कलर लगा के फिर जो मिठाई विठाई खिलाना होता है वो रीति रिवाज है हमारे में। तो हम लोग आए इनके घर होली मनाने। तो देखिए, सो यहाँ पे तीनों भाई उनके जीजाजी को कलर लगा रहे हैं। तो ये रीति रिवाज हमारे में होता है, तो हर साल ये लोग इनके घर पे आके इनको कलर लगाते हैं और होली मनाते हैं। तो देखिए, मेरे पे भी कलर उड़ा दिए, और ये मेरी ननद कलर लेके आई है मुझे लगाने के लिए। तो देखिए, मेरे हस्बैंड बालों में कैसे कलर डाल रहे हैं। तो ये मेरी ननद ने मुझे लगाया, तो अब की बारी मेरी है, इसलिए मैं भी उनको पूरा कलर कर दूंगी फेस में। तो देखिए, मैंने येलो कलर लगाया। तो इस तरह से हम लोग ने होली बहुत ही अच्छे से मनाया है, और बहुत ही मेमोरेबल डे था। और यहाँ पे सबके बालों में अंडा फूट रहा है, एक दूसरे के बालों में एग फूट रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों भाई मिलके उनके जीजाजी को नीचे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और कलर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों एक पे भारी पड़ गए हैं। सो बहुत ही स्मेल आ रहा था एग का, क्योंकि सब लोग एग से ही भरे पड़े, बालों में कपड़ों में एग ही स्मेल आ रहा था। और यहाँ पे बच्चे भी कलरफुल हो गए, देखिए कि अंश कैसे खेल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ससुर जी आ रहे हैं, तो कियांश उनके दादाजी के ऊपर होली खेल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, देखिए। सो वो अपने दादाजी को भी पूरा कलर से भरने की कोशिश कर रहा था। सो ये कियांश का फर्स्ट होली है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग हैदराबाद में थे तो उसने इतना होली नहीं खेला था, क्योंकि उसको इतना समझ नहीं आ रहा था। तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसने बहुत अच्छे से एंजॉय किया कियांश ने। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के बालों में भी एग फूट गया है। सो इस तरह से हम लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए। यहाँ मेरे सासू माँ किचन में थी, तो मेरी ननद की सासू माँ आई उनको कलर लगाने के लिए। तो ये लोग भी कलर खेल रहे थे घर में, और घर में ही ये लोग पूरा पानी वानी डालने की कोशिश किए थे, पर बाद में वो लोग बाहर आके खेले अच्छे से। मेरी सासू माँ को
मेरी ननद के सासू माँ ने कलर लगाया, इसलिए उनके बालों में भी मेरे सासू माँ ने अंडा फोड़ दिया था। देखिए तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया था। और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह होली खेल के अच्छे से नहावा के रेडी हो गए थे। देखिए किस तरह से एक दूसरे के ऊपर कलर कम और अंडा ज़्यादा फोड़ रहे हैं। तो मेरे घर के सामने बहुत ही अच्छा ओपन प्लेस है, टेरेस है, जो यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो यहाँ पे इतना बड़ा ओपन प्लेस है, इसलिए भागने में भी थोड़ा इजी रहेगा और बहुत ही मज़ा आया था। तो सब लोग ने बहुत ही अच्छा एंजॉय किए थे। तो यहाँ पे मेरे सासू माँ उनको कलर लगाने जा रहे थे, तो वो भाग रहे थे, कबड्डी कबड्डी खेल रहे थे। तो फाइनली अच्छा लगा। बट अगर कोई पानी की व्यवस्था होती, अगर पाइप वाइप लगाते तो और भी बहुत मज़ा आता। हम लोग ने ट्राई किए थे कि पानी की व्यवस्था करें, बट नहीं हो पाया था। वैसे बहुत ही लेट हो गया था, 2 बज गए थे, तो फिर भी हम लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए। ये देखिए मेरा चेहरा पूरा कलर से भरा हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। सो मेरे ननंद मतलब मेरे हस्बैंड के कज़िन की वाइफ, मतलब मुझे देवरानी ही लगती है, उसको हम लोग कलर लगा रहे थे। तो तीनों मिलकर उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बैठे नहीं रहे थे, बहुत ही भारी थे। और ये जो पानी था मैंने अपने ननंद के सिर के ऊपर डाल दिया, पर वो भी पकड़ ली थी बकेट, तो डालने नहीं दी। फिर दोनों मिलके उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सासू माँ आके बचा रही थी अपनी बेटी को। तो फाइनली हम लोग ने डाल दिया था वो बकेट, तीनों छोड़ ही नहीं रहे थे, तीनों पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये देखें, तो फाइनली ये जो होली का डे था बहुत ही एंजॉय किए हम लोग। एक्सपेक्ट नहीं किए थे, कोई प्लानिंग नहीं था, बस सडनली सब लोग आ गए थे और बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों को देखने आ गए थे, और वैसे बड़े भी उसमें घुस गए थे, एक दूसरे को लगाने लगे, तो फिर खेलने ही लगे फिर डायरेक्ट। तो आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे होली। तो सब लोग को मैं यहाँ पे कलर दे रही थी एक दूसरे को लगाने के लिए। बस यहाँ पे अगर पानी की अरेंजमेंट होती, पानी की अगर अरेंजमेंट होती तो बहुत ही मज़ा आता, बट नहीं हो पाया, क्योंकि अगर प्लानिंग से करते तो सब कुछ हो जाता, बट यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं था। सडनली सब लोग मिल गए थे और कलर लगाने लग गए थे। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को किस तरह से खींच खींच के पकड़ के सर के ऊपर एग फोड़ रहे हैं, कलर लगा रहे हैं। देखिए सो यहाँ पे भी हम दोनों इसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे, पर बैठ नहीं रहे थे। सो फाइनली हम लोगों ने तो बहुत ही एंजॉय किया। आई होप आप लोग भी होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपने कितना एंजॉय किया होली पर। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय गाइस।